हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट ग्रो कंपटीशन सर। फ्रेंड्स, दिस इज राम सिंह और हाजिर हूँ मैं लेकर आप लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम आज टॉपिक स्पेशल टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज की पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हो, आप थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली बने रहें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो, मेरा मतलब यही है। फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 6। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल सेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो सेशन अभी चल रहा है स्पेशली, वो भाग 3 के बारे में जान रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक के बारे में चर्चा करना है। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने देख चुके हैं 12 से लेकर टोटल 21 तक के अनुच्छेदों को हमने देखा है कि किस तरह से हमारे देश के अंदर सिस्टम चलता है, हमारे देश के अंदर जो नियम कानून हैं, स्पेशली जो मौलिक अधिकार है, किस फॉर्म में हमारे देश में काम करती है, हमारे देश के नागरिक को किस तरह के अधिकार प्राप्त है, इनके बारे में हमने पॉइंट देखा है। आगे के पॉइंट हमें देखना फ्रेंड्स ये है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो किस फॉर्म में गिरफ्तारी के लिए उन पर आरोप लगेंगे, उन आरोप के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में उस पर कार्य किया जाएगा, एवं उन पॉइंट को जानना है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके जो सामान्य जीवन है उनसे रिलेटेड है। अगर इस देश के अंदर रहना है तो इस देश के मौलिक अधिकार को जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में उन अधिकारों का बहुत अधिक उपयोग है और इन अधिक उपयोग का आप जरूर उपयोग कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, ये UPSC, जो भी स्टूडेंट UPSC या फिर जो एग्ज़ाम BPSC में होने वाला है अभी, उसमें बैठने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए देखते हैं आज के सेशन में 22 से लेकर 28 तक के सभी पॉइंट को, अर्थात सभी अनुच्छेद को जो आपके लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बाकी हो जाएंगे अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं वो इम्पोर्टेंट आपके मौलिक अधिकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले आज हम लोग अनुच्छेद संख्या 22 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 22 क्या कहता है, इनके बारे में जानना है। अनुच्छेद संख्या 22 कहता है फ्रेंड्स, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। पिछले पॉइंट में हमने देखा था, 21 नंबर पॉइंट में बताया था फ्रेंड्स दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, जिसमें हमने चर्चा किया था कि आप खुद से चाहे तो सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं। अगर सुसाइड केस का केस करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप पर गिरफ्तारी का आरोप लग सकता है या आप पे अलग प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी दैहिक स्वतंत्रता भी नहीं है, सरकार के सामने वो भी स्वतंत्रता आपकी नहीं दी गई है। फ्रेंड्स, अब देखना क्या है कि गिरफ्तारी से रिलेटेड आपकी पहली पॉइंट कि गिरफ्तारी से निषेध निषेध कैसे बात कह रही है। फ्रेंड्स, इसमें पॉइंट कह रहा है आपका, वो पॉइंट कह रहा है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया, अगर किसी व्यक्ति को किसी आरोप में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए आपका समय अंतराल होता है 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर उसे जिस आपके आरोप ने आपने उसे गिरफ्तार किया है उस आरोप को बताएंगे, अन्यथा आपको तुरंत उसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है कि अनुच्छेद संख्या 22 ये स्पेशली कहता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी को कारणों से यथाशीघ्र आपका अवगत कराए बिना आप किसी को भी अधिक दिनों तक नहीं रख सकते हैं। इसके लिए आपके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप किसी को अपने क्या कहते हैं बस में, अर्थात कि आप कैद में रख सकते हैं। दूसरी बात इसमें कहता है फ्रेंड्स कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, अर्थात कि जितना समय, अर्थात कि जिस थाना में सपोज दैट जिस पुलिस स्टेशन में आपका मान लीजिए कि यह पकड़ा गया और यहाँ से मजिस्ट्रेट की दूरी, जो मजिस्ट्रेट ऑफिस है उसकी दूरी मान लीजिए कि 40 किलोमीटर है, सपोज दैट इसकी दूरी 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर जाने में मान लीजिए कि एक घंटा से डेढ़ घंटा लग सकता है, तो एक से डेढ़ घंटे का समय अतिरिक्त रहेगा
इसके अतिरिक्त आपको क्या होगा, इसके अतिरिक्त कितना समय चाहिए, तो ये कह रहा है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अर्थात कि आपको अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है। अगर क्या कह रहा है, पेश करना है और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अर्थात कि अगर 24 घंटे से अधिक अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को अपने संरक्षण में रखता है बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से, उस कंडीशन में उस व्यक्ति पर अर्थात कि उस पुलिस ऑफिसर पर भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये कब काम नहीं करेगा, ये किस कंडीशन, इसके लिए भी एक एक्सेप्शन है कि यह कब काम नहीं करेगा। अर्थात कि ये तो है कि 24 घंटा बाद ये काम करेगा, लेकिन इसके लिए है कि यह कब काम नहीं करेगा। तो कहता है फ्रेंड्स, खंड एक और खंड दो, यानी कि अभी तक जो आपने दो बात जानी, इसमें कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा जो तत्समय शत्रु अनदेशीय है। अर्थात कि किसी दूसरे देश का आपके देश में आरोपी है, अर्थात कि किसी भी रूप में देशद्रोह में या किसी भी अन्य बड़े अपराध में वो शामिल है, तो उस व्यक्ति के लिए ऐसा नियम नहीं है कि आपको 24 घंटे के अंदर छोड़ देना है या फिर आपको मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट करना है। इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसमें दोनों केस लागू नहीं होता है। दूसरी बात कि दूसरा एक और है जिसके साथ नहीं लागू होता है, वो क्या कह रहा है कि निवारक निरोध, फ्रेंड्स कहता है उसके बाद कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के, अर्थात क्या कि ये कहना चाहता है फ्रेंड्स कि निवारक निरोध के उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरोध किया गया हो। अर्थात क्या, कोई पहले से कोई केस उस पर चल रहा हो और उस केस के सिलसिले में उसे क्या किया कि गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद दोबारा जब गिरफ्तार किया जाएगा उसे, तो उस समय इसके लिए ऐसा नियम नहीं लगेगा कि 24 घंटे के अंदर छोड़ना है या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है, इस फॉर्म में रखा जाता है, तो उस समय यह नियम लगेगा कि या तो 24 घंटा या फिर मजिस्ट्रेट, दोनों के सामने आपको, दोनों में से एक आपको पूरा करना पड़ेगा। या तो 24 घंटा से पहले उस व्यक्ति को आप छोड़ दें, नहीं तो आपको 24 घंटा और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जाने में एक घंटा दो घंटा जितना समय लगे, उस समय से अतिरिक्त एक मिनट के समय भी आप अपने संरक्षण में, अर्थात कि कोई पुलिस अधिकारी अपने संरक्षण में उसे नहीं रख सकता है। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी पॉइंट है। उसके बाद की पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि निवारक उसके बाद कहता है निवारक निरोध के उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसार जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, अर्थात कि कोई व्यक्ति पर कोई आदेश हो जाता है कि आपको रखना है, आपको यह सजा दी जाती है, तो किया जाता है, तो कह रहा है कि अगर क्या कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाले प्राधिकारी के यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करना होगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरोध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा। अगर फ्रेंड्स मजिस्ट्रेट अगर कोई फैसला कर देता है, मजिस्ट्रेट कह देता है कि आपको ये सज़ा मिलेगी, या मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई सज़ा या कोई अलर्टमेंट किया जाता है, तो इसके लिए जो आपका पुलिस अधिकारी जिन्होंने गिरफ्तार किया है उस आरोपी को यह सूचित करेगा कि देखिए भाई आप पे यह आरोप लगा है, आप अपने वकील को या किसी भी अन्य रूप में जो सहायता चाहिए, आप अपने कानूनी सहायता या कानूनी सलाह जिससे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर यह गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पहला नंबर चीज़ कि 24 घंटा के अंदर उसे पेश करना है। दूसरा नंबर बात कि 24 घंटा के अंदर पेश अगर नहीं करते तो 24 घंटा के अंदर उसे छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात कि अगर 24 घंटा के अंदर अगर पेश भी कर लिया गया, अगर कोई रिपोर्ट उसके विरोध अगर कोई कानून लगती भी है तो आपको उसे तुरंत सूचित करना होगा, यथाशीघ्र सूचित करना होगा, उसके अनुसार वह अपना कार्य को संपादित करेगा। फ्रेंड्स लेकिन ये नियम उनके साथ नहीं लगेगा जो देशद्रोही हो, अर्थात दूसरे देश के साथ हो, अर्थात जैसे पाकिस्तान के,
किसी व्यक्ति को, किसी आतंकवादी को आपने पकड़ा है तो उसके लिए नियम नहीं कि 24 घंटा के अंदर आपको पेश करना या फिर मजिस्ट्रेट को यह रिपोर्ट करना है आपको 24 घंटा से पहले, ऐसा नहीं होगा। दूसरी नंबर बात कि किसी व्यक्ति को पहले आरोप में, इसी आरोप में अगर गिरफ्तार किया गया उसके बाद उसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उस कंडीशन में भी यह नियम लागू नहीं होगा कि 24 घंटे या मजिस्ट्रेट के पास आपको तुरंत लेकर पेश होना है। यह बहुत बड़ी बात है और अनुच्छेद 22 यह बहुत बड़ी छूट भी देता है। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, 22 में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसके अतिरिक्त फ्रेंड्स 22 में ही कहता है, 22 आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह जान लेना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर कभी भी इस प्रकार की अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये आपके जितने भी जाने पॉइंट इसके लिए आपको यह फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद क्या करता है फ्रेंड्स कि एक और कंडीशन कहता है कि आपका क्या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति के 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे या न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अहित नहीं हो। अर्थात कि इनके मिलकर 3 मास से अगर अधिक की अगर अवधि पर, यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा का अगर उस पर आरोप कोई लगेगा अर्थात कि सजा दी जाएगी तो उस कंडीशन में वह हाई कोर्ट से परमिशन ग्रांट कराना पड़ेगा, तब उस कंडीशन में उसे इतने बड़ी सजा दी जा सकती है। यह बहुत बड़ी बात है कि 3 मंथ या उससे अधिक की अगर सजा देनी है तो उस कंडीशन में सलाहकार बोर्ड की सहायता लेना अनिवार्य होगा। अर्थात कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर, यानी कि कोई भी अगर पकड़ा भी जाता है तो इनके अंदर सबसे बड़ी बात है 24 घंटा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना या 3 मंथ से ज़्यादा करना है तो आपको सलाह लेनी पड़ेगी किससे, वो भी आपके हाई कोर्ट के वकील से या हाई कोर्ट के जो न्यायालय के जज है उनसे। उसके बाद क्या कहता है फ्रेंड्स कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स इस पॉइंट में, अर्थात फ्रेंड्स उसमें क्या कहा जाएगा कि संसद होगा वह संसद अपनी कमेटी के साथ मिलकर, अर्थात कि जो हाई कोर्ट होगा हाई कोर्ट के साथ मिलकर इस, या सलाहकार कोई कमेटी होगी उसके साथ हाई कोर्ट मिलकर तब यह फैसला करेगा, उपबंध को तय करेगा कि इसे 3 मंथ की सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए जो बड़े केसेस होते हैं जैसे आपका बलात्कार का केस हो गया या फिर आतंकवादी का केस हुआ, इस कंडीशन में यह केस जब बड़ी सज़ा देनी होती है तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है क्योंकि इसके लिए एक बेंच बैठती है। बेंच का मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, अर्थात कि जज के ग्रुप बैठते हैं और उस कंडीशन में यह फैसला लिया जाता है कि वह 3 मंथ से अधिक या किस प्रकार की सज़ा उसे देनी है। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये संविधान की अनुच्छेद संख्या 22 कहती है। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो अनुच्छेद संख्या 23 और 24 की बात करें तो स्पेशल यह फ्रेंड्स जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह आपका अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद संख्या 23 फ्रेंड्स क्या कहता है कि अनुच्छेद संख्या 23 आपको कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम के प्रतिरोध है, अर्थात कि प्रतिषेध कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, और बाल श्रम अर्थात कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चे हैं वो आपका श्रमिक रूप से कार्य नहीं करेगा, अर्थात कि बाल श्रम को निषेध करता है। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 24 क्या कहती है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, अर्थात कि बालकों को कभी भी काम पर आपको नहीं लगाना है, जो आपके छोटे बड़े के बच्चे यानी छोटे बच्चे हैं उनको काम पर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जरा देखते डिटेल में ये क्या कहते हैं अनुच्छेद संख्या 23। फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक बटन जरूर क्लिक करेंगे, ठीक है, और साथ में अगर चैनल को अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। हम सभी तरह की आपके वीडियोस, हर तरह के पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, उन सभी पॉइंट को आपके लिए कंटिन्यू लेते आते रहेंगे। फ्रेंड्स ये सेशन हमारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे चलता है, इसे आप लाइव सेशन में 9 बजे प्रतिदिन देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स तो देखते हैं अनुच्छेद संख्या 23 को। अनुच्छेद संख्या 23 क्या कहता है फ्रेंड्स जरा वो जानिए कि अनुच्छेद संख्या 23 आपका क्या कहता है। अनुच्छेद संख्या 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध,
अर्थात के प्रतिषेध करता है कि मानव के पाल का जो दुर्व्यवहार है वह और बाल श्रम दोनों को आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर अनुच्छेद संख्या 23 के अंतर्गत उन पर आरोप लग सकता है। अर्थात कि मानव के दुर्व्यवहार और बेकार तथा इस प्रकार के अन्य बाल श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगर किसी कम उम्र अर्थात कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर आप काम पे लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपका ये कार्य दंडनीय अपराध होगा। अर्थात क्या आपको अपराध भुगतना पड़ेगा, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि यह हमारा जो संविधान है इसे मनाही करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी पॉइंट इसमें कहता है फ्रेंड्स, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक परियोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। यानी इस कंडीशन में राज्य सार्वजनिक प्रयोजन में जो चाहे उसके अनुसार इसका यूज कर सकती है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अर्थात कि बाल श्रम के आधार पर अगर विभेद करने की बात हुई तो ऐसा नहीं करेगा कि एससी एसटी ओबीसी है तो यह कार्य कर सकता है और जनरल कैटेगरी है तो यह कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात कि इस अनुच्छेद में बात कही गई है वह किसी भी जाति, मूल वंश या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो तो किसी भी रूप में वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कि उसके लिए उपयोगी नहीं हो। अर्थात कि किसी भी रूप में वह आपका बाल श्रम कराना एक कानूनी अपराध के रूप में माना जाएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और इस बारे में वर्णन आपका अनुच्छेद संख्या 23 में किया गया है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध जो है आपका वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अनुच्छेद संख्या 23। अगर फ्रेंड्स बात करें अनुच्छेद संख्या 24 की अर्थात अगले अनुच्छेद की बात करें तो यह क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। अर्थात कि कारखाना में किसी बालक का नियोजन नहीं होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ भी इनडायरेक्टली कह रहा है कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो तरह के कानून लगते हैं। एक तो अनुच्छेद संख्या 24 कहता है कि कारखानों में यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपका कंपनी रूल है अर्थात क्या कि आपका जो औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक क्षेत्र में जो रूल रेगुलेशन लगाए जाते हैं उस कंडीशन में उसमें भी इस बात का यह वर्णन किया गया है कि कारखानों में कभी भी 14 वर्ष से कम वर्ष की उम्र के बच्चों को आपको नहीं लेना है। अर्थात कि किसी भी रूप में कार्य करने के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। इसी बात को कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा। यानी कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र होगा वह आपका किसी भी रूप में किसी भी बालक के लिए वह पढ़ने का ही होगा। 6 से 14 वर्ष के लिए इस तरह से भारत सरकार ने यह नियम लगाया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पढ़ाई करने की आपकी छूट दी जाएगी। इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति उसे किसी भी रूप में किसी कल कारखाने या किसी रूप में कार्य में लगाता है तो उसके माता पिता के साथ साथ उस कंपनी को भी सीज कर दिया जाएगा। इस कंडीशन के लिए आपका अनुच्छेद संख्या 24 वर्णन करता है। साथ ही साथ आपके कारखाने का जो रूल रेगुलेशन है यह भी इस बात का निषेध करता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 23 और 24 दोनों मानव जीवन और प्लस ही प्लस बच्चे के यानी कि बाल श्रम को प्रतिषेधित करता है। आशा फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 23 और अनुच्छेद संख्या 24 सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर करें, क्योंकि देखते हैं कि आपके व्यूअर ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन लाइक थोड़ा कम होता है। अगर फ्रेंड्स सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक बटन क्लिक करें। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो ये होता है आपका आगे की जो अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 25, 26, 27 और 28। ये चारों के चारों जो आपके हैं यह आपके धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, बतलाते हैं हमें कि धर्म की स्वतंत्रता किस फॉर्म में हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसमें 25 नंबर जो कहता है अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अर्थात क्या अनुच्छेद संख्या 25 कहता है कि आप किसी धर्म को
अबाध रूप से मानिए, अर्थात कि आपको कोई इसमें बाधा नहीं डालेगी, कोई आपको उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसके बाद आचरण, अर्थात कि उसको आप मानिए, उसको आप फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जिस धर्म का चाहे उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, पर्चा लेकर घूम जाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को सलाह दीजिए कि आपके धर्म को माने, लेकिन किसी भी रूप में कोई अबाध या कोई दबाव आपको नहीं डालना है किसी व्यक्ति पर। दूसरी नंबर बात, अनुच्छेद संख्या 26 कहती है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म में जितना मर्जी चाहे, जिस फॉर्म में चाहे खर्चा कर सकते हैं। दुर्गा पूजा हो रहा है, जम के पंडाल बनवाइए, लाखों का लाख लगवाइए, ठीक है। अगर मुस्लिम का कोई पूजा त्यौहार होता है तो उसमें जम के आप क्या कीजिए, खर्च कीजिए। किसी भी रूप में कोई भी प्रबंध करने से आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी भी रूप में सरकार की तरफ से या फिर आपका क्या कहते हैं संविधान में किसी भी प्रकार की आपकी रुकावट करने की बात नहीं कही गई है। लेकिन अभी कोरोना काल की वजह से, अर्थात कि COVID-19 की वजह से कुछ निषेध रखा गया है, कुछ पॉइंट पर ध्यान रखने की बात कही गई है। जैसे अभी के कुछ राज्यों का नियम है कि पंडाल की व्यवस्था नहीं करनी है, अर्थात कि पंडाल नहीं लगाना है। जितने दूर जितने जगह में सिर्फ आपकी मूर्ति आ सकती है उतने दूर ही सेट गिराना है। कोशिश करें कि एरिया जितना हो सके ओपन हो सके, अर्थात कि खुला रह सके। पंडाल के अंदर अर्थात कि मंदिर के पास, अर्थात कि जहाँ पर दुर्गा पूजा हो रही है, 7 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हुए एक साथ। उसके अतिरिक्त पूजा में आपका जो प्रसाद है उसका वितरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ आपकी डाटा और कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जिसके अकॉर्डिंग आपकी धर्म की स्वतंत्रता पर विशेष रूप से आपके लगाम लगाए गए हैं, लेकिन यह आपके संविधान में कहीं भी इसके बारे में वर्णन नहीं है। लेकिन यह वर्णन इमरजेंसी केस के लिए आता है और इमरजेंसी केस के लिए अलग प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तत्काल में बात करते हैं, देखते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 27 कहता है किसी विशिष्ट, 27 नंबर अनुच्छेद फ्रेंड्स कहता है आपका, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय के बारे में स्वतंत्रता। अर्थात क्या, अर्थात कि किसी विशिष्ट धर्म, कोई अगर धर्म विशेष धर्म है किसी को मानना चाहते हैं तो अभिवृद्धि के लिए करों के सदस्य के बारे में स्वतंत्रता, संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अर्थात क्या, जितना मर्जी ग्रुपिंग बनाइए, जितना मर्जी आप जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में कार्यों को पूरा करने के लिए आप उसमें क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, या फिर किसी भी फॉर्म में कह सकते हैं कि किसी भी समुदाय को बाध्य आप नहीं करेंगे, आप अपनी अभिवृद्धि करेंगे, लेकिन उसे किसी अन्य समुदाय को, किसी अन्य व्यक्ति को आप क्या करेंगे, बाध्य नहीं करेंगे आपके कार्य को करने के लिए। और अनुच्छेद संख्या 28 जो आखिरी कहती है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या कहती है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अर्थात कि कुछ शिक्षा संस्थान हैं जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे कि अभी तो नहीं है लेकिन पहले क्लास 6 तक आपका रामायण का बुक और महाभारत की बुक शामिल थे, अर्थात कि रामायण के टॉपिक और महाभारत के टॉपिक शामिल थे। कुछ दिन पहले तक की बात है कि ऐसा नियम लगाया गया था, अभी भी नियम है, क्या कहते हैं स्पेशली अगर बात करें तो बिहार के जो आपका क्या कहते हैं दो तरह की होती है, एक एनसीएफ 2005 अर्थात कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, और उसके तर्ज पे बना था आपका बीसीएफ, ठीक है, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2008 में बनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके 2005 में जो एनसीएफ तैयार हुई थी इसमें तो वर्णन किया गया ही है, लेकिन बीसीएफ में स्पेशल वर्णन किया गया है कि धार्मिक फॉर्म में जो आपका उर्दू की बुक है, उर्दू की किताब है, उनके बारे में आपको पढ़ाने की बात कही गई है और रामायण महाभारत की बात भी, अर्थात कि महाकाव्य की पढ़ाने की बात कही गई है फ्रेंड्स। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा कभी हम चर्चा करेंगे एनसीएफ या बीसीएफ के बारे में, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे। समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि पूरे देश के अंदर जो कैरिकुलम पाठ्यक्रम बच्चे को पढ़ाने की तैयार किया जाता है वह आपका एनसीएफ 2005 के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात कि यह पहला कैरिकुलम आपके और इम्पोर्टेंट आपकी पॉइंट है जिसके तर्ज पर अभी एनसीईआरटी बुक चलती है या जिसके अंदर आपके क्या पढ़ाया जाना है इनके बारे में चर्चा किया जाता है, वो भले किसी राज्य में हो। और बीसीएफ स्पेशल लागू होता है सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के लिए,
ठीक है फ्रेंड्स, ये 2008 में लगाया गया था। फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो आगे फ्रेंड्स कहता है हमारा पॉइंट, यानी 28 नंबर ये पॉइंट कहता है, अब जरा सा इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि यह कहना क्या चाहता है। तो अनुच्छेद संख्या 25 को देख पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए एक पॉइंट को जरूर देखेंगे, लेकिन आगे की घटना जो है, आगे के अनुच्छेद हम अगले क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स ये क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद संख्या 25 जिसमें अंतकरण की धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण करने, प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। फ्रेंड्स ये कहता है आपका लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार करे, किसी भी धर्म का आचरण करे, किसी धर्म का फॉलो करे, किसी भी धर्म को करे, लेकिन उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव हमारे संविधान की तरफ से नहीं है। दूसरी बात कहता है फ्रेंड्स, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने पर निर्वारित नहीं करेगी जो आपका धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप में विनियमन या निर्बंध करती है। अर्थात क्या, यह राज्य के लिए विशेष बात कही गई है कि कोई राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा या ऐसा कोई भी प्रतिबंधित कोई बात नहीं करेगा जिसमें किसी धर्म के आचरण से संबंधित कोई आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक बात कही जाती हो। अर्थात कि इन आधार पर कभी भी कोई राजनीतिक या वित्तीय या आर्थिक बातों के बारे में वर्णन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि राजनीतिक मामलों में धर्म को शामिल नहीं करना है, जाति को शामिल नहीं करना है, लेकिन आज के समय की जो राजनीतिक है स्पेशली धर्म विशेष है, धर्म और जाति पर आधारित है। और यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है कि धर्म और जाति के आधार पर कार्य करना, हालांकि इस बात को सभी कोई जानते हुए भी, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं जिनके वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ होती है। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह अनुच्छेद संख्या 25 में वर्णित है। ऐसा है फ्रेंड्स, आज की सभी टॉपिक क्लियर हुई होगी, क्योंकि आज हम लोगों ने चर्चा किया था, वह चर्चा का पॉइंट था अनुच्छेद संख्या 22 से। अनुच्छेद संख्या 22 में हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर गिरफ्तारी की बात कही जाए तो उसके संरक्षण के विरुद्ध आप कर सकते हैं, अर्थात कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अपवाद इसका कहता है कि अगर कोई आतंकवादी या कोई अन्य व्यक्ति को, आतंकवादी हो या पहले से किसी पर केस चल रहा हो, उस व्यक्ति को अगर शामिल किया जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, आपको 24 घंटे के लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 23 और 24 जो कहता है वह बच्चे के अर्थात कि बाल श्रम के विरोध आपके कार्य को बतलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद की अगर बात करें हम लोग तो उसके बाद हमारा 25 और 26 नंबर कहता है, 25 नंबर कहता है कि किसी भी धर्म को मानने की देश में स्वतंत्रता है, आपको किसी भी रूप में कोई धर्म को माने, किसी धर्म का प्रचार करे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये फ्रेंड्स ये आज के टॉप टॉपिक्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया, बाकी की बात हम करेंगे फ्रेंड्स अगले। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉपिक, बाकी फ्रेंड्स के बाकी के बारे में चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फ्रेंड्स आपने पूरी सेशन में हमारे साथ आप बने रहे इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। फ्रेंड्स मैं राम सर आप लोग से ये बात का रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद।